पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे और मौसम भी काफी अच्छा है, तो इस बारिश के मौसम के लिए चलिए बनाते हैं एकदम इंटरेस्टिंग और यूनिक चाइनीज पकोड़े की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पे 1 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। अब एक छोटी सी गाजर को मैंने ग्रेट करके ऐड किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। अब एक आलू को हम ग्रेट करके ऐड कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया। आप इसके साथ बारीक कटी हुई स्प्रिंग अनियंस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 तीखी वाली हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियां जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 1/2 नींबू का रस लिया है, इसकी जगह पे आप विनेगर भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले जाएगा 1/2 कप गेहूं का आटा। अब इसमें जाएगा 1/4 कप चावल का आटा, जिससे पकोड़े बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। वैसे तो चाइनीज पकोड़ा में मैदा और कॉर्नफ्लोर आते हैं, पर यहाँ पे मैंने ऐड किया है हमारा नॉर्मल गेहूं का आटा और चावल का आटा। अब सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसमें पानी की जरूरत नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। पकोड़े का मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसे मैं साइड पर रख देती हूँ और पकोड़े के लिए मैं चटपटी सी चटनी बना लेती हूँ। सबसे पहले मिक्सचर ग्राइंडर में ऐड करेंगे हम 1 कटा हुआ टमाटर। यहाँ पे 4 से 5 कश्मीरी रेड चिली को मैंने 1/2 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो दिया था, उसे हम ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस, 3 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। चटनी रेडी हो चुकी है और तेल को मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब हम पकौड़े बना लेते हैं। पकौड़ों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। पकौड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ। इसी तरह से हम और पकौड़े बना लेंगे। गर्मा गर्म क्रिस्पी चाइनीज पकौड़ा बनकर तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी और मुझे बताइए कैसा लगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए देखते रहिए स्वाद अनुसार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।